हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का पाक का शुक्र है। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा ना, मैंने एक व्लॉग शेयर किया था आई थिंक एक दिन पहले, तो वहाँ मैं देने गई थी अपना पीपीएससी का पहला टेस्ट और मेरा पहला एक्सपीरियंस था। तो मैंने सोचा आप सब लोगों से वो पूरा एक्सपीरियंस मैं शेयर करती हूँ। अच्छा, टेस्ट के लिए मैंने प्रिपरेशन की थी थोड़ी बहुत, जितनी मतलब एक इंसान कर सकता है। और फिर मैंने सोचा था कि चलो क्लियर होगा या नहीं होगा, एक बार मुझे ना एक्सपीरियंस ज़रूर करना था कि टेस्ट होता किस तरीके का है। आप लोग जाते हुए ये नर्वसनेस मुझे बहुत ज़्यादा थी कि मैं जाऊँगी कैसा होगा, पता नहीं क्या क्या और भी बहुत सारी बातें जहन में आ रही थी। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैंने टेस्ट देने तो ज़रूर जाना है। फिर मैंने टेस्ट देने चली गई थी और मेरा पहला एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। अच्छा, अब बात करते हैं पीपीएससी के बारे में कि कुछ लोग जिन्हें कहा जाता है कि आप लोग पीपीएससी की तैयारी कर लो, वो मेरे जैसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि पीपीएससी है क्या। तो मैं आप लोगों को ना बेसिक बेसिक सी बातें बताती हूँ सारी। तो सबसे पहले कि पीपीएससी है क्या। पीपीएससी है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि पंजाब का वो इदारा है जो कि हायर करता है मुख्तलिफ लोगों को अपने डिफरेंट डिफरेंट मतलब जो भी उनके महकमे होते हैं ना, उनके लिए हायरिंग करते हैं वो लोग। मतलब आप लोगों को एक तरीके से गवर्नमेंट जॉब में अब हायरिंग के लिए ना पीपीएससी का टेस्ट देना होता है, ठीक है ना। वो मुख्तलिफ होता है, वो बाद में आप लोग देख सकते हो कि किस किस तरीके से टेस्ट वगैरह होता है। अच्छा, ये तो हो गई इसकी बात कि ये लोग हायरिंग करते हैं। अच्छा, हायरिंग करने के लिए आपको पहले टेस्ट के लिए अप्लाई करना होता है। तो अप्लाई करना आप लोग ऑनलाइन जाके कर सकते हो। दूसरी चीज़, अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप लोग जाओ गूगल पर, आप गूगल करो पीपीएससी, तो वहाँ पर आप लोगों को इनकी वेबसाइट मिल जाएगी। मेन्यू में जाकर आपको मुख्तलिफ चीज़ें इनकी मिल जाएंगी। दूसरी बात अब आती है कि आप लोगों ने अप्लाई तो कर दिया, अब आप लोगों ने तैयारी कहाँ से करनी है। तो तैयारी के लिए अब मैं वीडियो को शॉर्ट भी करूँगी और थोड़ा थोड़ा आपको बताऊँगी कि तैयारी आप लोग कैसे कर सकते हो। सो बेसिक तैयारी के लिए आप लोग सबसे पहले फोकस करो अपने पास पेपर पे। पास पेपर आप निकालो और उनको रीडिंग करो, आपको समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके के होते हैं, आपको समझ आ जाएगा कि मेन फोकस इन लोगों का किस चीज़ पर है और ना क्या क्या होता है। फिर वहाँ से देखकर आप बाद में तैयारी कर सकते हो। साथ में जब आप लोग ना अप्लाई कर रहे होते हो तो एक ऐड होता है, ऐड को देखकर आप अप्लाई करते हो कि किस जगह आपने अपने लिए ना टेस्ट देना है। तो वहाँ पर वाजे तौर पर मेंशन होता है कि आपके टेस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड होंगे और किस सब्जेक्ट की कितनी वेटेज है, यानी कितने एमसीक्यूज किस सब्जेक्ट से आनी है। तो वो तो आपको पता होता है, फिर आप उन्हीं उन्हीं सब्जेक्ट्स की तैयारी करते हो। अब यहाँ पर आती हैं दो बातें। कुछ लोग जाते हैं अकेडमी ज्वाइन करते हैं, दूसरे कहते हैं कि हम लोगों ने अकेडमी नहीं ज्वाइन करनी, कुछ नहीं भी कर सकते। कुछ लोगों का एरिया ऐसा होता है कि जहाँ उन्हें पास में अकेडमीज अवेलेबल नहीं होती, तो आप इंटरनेट का फ़ायदा उठाएं, आप लोग यूट्यूब पर सर्च करें, आपको बहुत सारे टीचर्स मिल जाएंगे और वो बहुत अच्छे अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ा रहे होते हैं। तो आप इजीली ना उनसे जाकर ना उनके लेक्चर्स ले सकते हो और आप हर सब्जेक्ट के लिए अलग टीचर का लेक्चर ले सकते हो जिसका आपको अच्छा लगे। अब एक और बात, लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि हम लोग बुक कौन सी सिलेक्ट करें। तो जहाँ से आप पढ़ रहे हो, अकेडमी ज्वाइन कर रहे हो, तो आप जाकर ना अपने अकेडमी टीचर की रिकमेंडेड बुक्स ले लो, या फिर अगर आप ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हो तो वो लेक्चर्स वाले आपको जिस तरीके की बुक रिकमेंड करते हैं वो बुक आप लोग ना ले सकते हो अपनी स्टडी के लिए। और बात आती है जनरल नॉलेज की, तो वहाँ पर जनरल नॉलेज में ना साथ साथ करंट अफेयर भी होता है, वो सारी चीज़ें उसी में आ जाती हैं। जो बात ना पुरानी हो गई वो जनरल नॉलेज में चली गई, न्यू वाली करंट अफेयर में आ जाती है। सो उसके लिए आप लोगों को अखबार पढ़ना चाहिए, न्यूज़ देखनी चाहिए, इसी से ही आपकी जो होती है ना जनरल नॉलेज होती है वो बेटर होती है, करंट अफेयर्स के बारे में आप सबको पता चलता है। ये सारी चीज़ें ना मुझे इस टेस्ट के एक्सपीरियंस से पता चली थी और ये सारी चीज़ें ना काफ़ी इफेक्टिव है। सिंपल सिंपल बात मैंने आपको बता दी है, बाकी आप लोग जब स्टार्ट करते हो अपनी तैयारी करना तो आप लोगों को भी और बातें पता चलती हैं और वो सारी चीज़ें ना आपको एक्सपीरियंस से पता चलती हैं। ऐसे कोई बंदा नहीं कह सकता कि ये होता है या वो होता है। और इंशाल्लाह अब मैं अपने नेक्स्ट टेस्ट की और अच्छे से तैयारी करूँगी। अच्छा, मैं आपको अपने टेस्ट के बारे में बता देती हूँ। मेरा टेस्ट जो था वो बस ठीक से हो गया था, कुछ खास भी नहीं हुआ था। और मैंने अप्लाई किया था फूड ग्रेन कंट्रोलर की सीट पर, मुझे किसी ने ये क्वेश्चन किया था। अच्छा, कोई और क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इससे अच्छा प्रिपेयर करूँगी। आप लोग भी मुझे बेस्ट ऑफ लक बोल दो और आप लोगों को भी बेस्ट ऑफ लक। आप भी तैयारी करो और इस टेस्ट को हर कोई कर सकता है यार, कोई ऐसा क्यों सोचे कि नहीं ये चीज़ हमसे नहीं होगी। इतना भी कोई मुश्किल नहीं होता और इतना आसान भी नहीं होता, तो मतलब है मेहनत तो आपको हर जगह करनी ही पड़ती है। ओके जी, ओके, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे ना तो नीचे कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले ब्लॉग्स में।